दिग्गज एक्ट्रेस रेखा एक बार फिर से अपने लुक को लेकर सुर्खियों में छा गई है। इस बार रेखा का अंदाज देख लोगों ने उन पर तरह तरह के सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा लंबे समय से फिल्मों में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आज भी वो अपने ग्लैमरस लुक्स और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ जब रेखा बीती रात डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर बेहद ही अलग अंदाज में दिखाई दी। एक्ट्रेस ने सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था और पूरी बॉडी पर एक बड़े से स्टोल से ढका हुआ था। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची रेखा ने पापराजी के सामने पोज तो दिए, लेकिन वह हमेशा की तरह नहीं, कुछ अतरंगी ही अंदाज में दिखी। सिर पर कपड़ा बांधे, आधी रात को काला चश्मा लगाए और पूरी बॉडी पर अतरंगी ढंग से स्टॉल लपेटे रेखा को देख लोग कंफ्यूज हो गए हैं। हमेशा ग्रेसफुल दिखने वाली रेखा गाड़ी में भी भागते दौड़ते बैठती दिखी। रेखा के स्टाइल को देख लोगों ने इंटरनेट पर एक्ट्रेस को लेकर तरह तरह के बातें करनी शुरू कर दी हैं। एक यूजर ने लिखा, बुढ़ापा आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो दूसरे यूजर ने लिखा, क्या कोई बताएगा कि सिर पर ये इन्होंने पगड़ी क्यों बांध रखी है और रात में सनग्लासेस। तीसरे ने लिखा, ऐसा लगता है कि जैसे वह खुद को किसी चीज से छिपा रही है, शायद झुर्रियां या फिर कुछ और। वहीं अन्य यूजर ने लिखा, मैंने जब भी इन्हें देखा फुल स्लीव्स और बॉटल नेक वाले कपड़ों में ही देखा है, इन्होंने कभी अपने स्किन नहीं दिखाई, हो सकता है इन्होंने बोटॉक्स केवल चेहरे पर कराया हो। लेकिन आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए कि आखिरकार छिपती छिपाती नजरें चुराती सिर पर कपड़ा बांधे ये क्या करती दिखी रेखा।